यूपीएससी सिविल सर्विस का ऑनलाइन फॉर्म करते समय फोटो और साइन को रिसाइज करते समय काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस क्राइटेरिया में आपको फोटो और साइन रिसाइज करनी है, उस क्राइटेरिया में फोटो और साइन रिसाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि फॉर्म भरते समय फॉर्म फोटो और साइन अपलोड नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फोटो और साइन को रिसाइज करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप एक बार में ही फोटो और साइन को रिसाइज करके उसे अपलोड करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी का फॉर्म करते समय फोटो और साइन को अपलोड करने वाला सेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर चूज फाइल करके आपको फोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करने हैं, लेकिन नीचे जो क्राइटेरिया दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको फोटो और साइन की साइज को सेट करना है। फोटोग्राफ में आपको 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच में फोटो को सेट करना है, और सिग्नेचर की बात करें तो 350 पिक्सल से 550 पिक्सल के बीच आपको सिग्नेचर की साइज को रखना है। इस क्राइटेरिया के अनुसार अगर आप फोटो को रिसाइज करते हैं, तभी आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होगा, नहीं तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। हालांकि ऊपर हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज को रिसाइज करने का यहाँ तरीका बताया गया है, क्लिक हेयर करके आप इसे देख भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आप एमएस पेंट में जाकर फोटो और साइन को रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमएस पेंट में फ़ोटो को खोल लेना है और यहाँ पर पिक्सल में हाइट और लेंथ डालकर इसको रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप यहाँ पर हॉरिजेंटल लेंथ डालते हैं तो वर्टिकल ऑटोमेटिकली ले ली जाती है, जिससे जो फ़ोटो की रिसाइज है वो सही से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, जिससे कि आप फ़ोटो और साइन को बहुत ही आसानी से रिसाइज कर पाएंगे एक बार में ही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी सर्च इंजन में को ओपन कर लेना है और इसमें रिड्यूस इमेज लिखकर सर्च कर देना है। तो जो पहली लिंक रिड्यूस इमेज की दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सेलेक्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप रिसाइज करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो विड्थ का कॉलम दिया गया है, यहाँ पर विड्थ में आपको फ़ोटो रिसाइज करते समय 550 मिनिमम थी, तो यहाँ पर हम 560 कर लेंगे। और 560 करने के बाद जो लॉक वाला निशान आपको दिख रहा है, इसे अनलॉक कर देंगे और परसेंटेज की जगह यहाँ पर पिक्सल को सेट कर लेंगे। यहाँ ऊपर चेंज हो गया है, इसको फिर से 560 कर लेंगे। और इसके बाद हाइट अपन को 1000 से अंदर रखनी है, तो यहाँ पर हम हाइट को 900 सेट कर लेते हैं या 850 सेट कर लेते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन यहाँ पर 72 है, इसको 96 DPI पर सेट करेंगे और नीचे की ओर आके रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह का आपका जो फ़ोटो रिसाइज हो चुका है, इसे डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से आपको अपने साइन को रिसाइज करना है। तो साइन को रिसाइज करने के लिए एक बार फिर से आप ऊपर की ओर जाएंगे और सिलेक्ट इमेज पर यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और आपको आपका जो साइन है उस साइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे की ओर आके विड्थ दी गई थी आपकी 550, तो यहाँ पर हम 550 के अंदर ही रखना है, तो यहाँ पर हम 530 ले लेंगे। और हाइट जो है आपको 350 पिक्सल से ऊपर रखना है, तो यहाँ पर जो हाइट है वो 360 ले लेंगे। और 96 DPI पर रिड्यूस इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो साइन है वो यहाँ से आप डाउनलोड इमेज करके इसको ले लेंगे। और इसके बाद जो आपका फ़ोटो और साइन है, यहाँ पर रिसाइज करके आपने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको यूपीएससी की साइट पर वापस आ जाना है और चूज फाइल करके फ़ोटो और साइन को बारी बारी अपलोड कर देना है। इसके बाद इमेज अपलोड करें ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक दे सकते हैं, एक बार में ही आपका फ़ोटो और जो साइन है वो अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोटो और साइन को रिसाइज कर सकते हैं और कंटिन्यू आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।